सके जो वो सरकार निकम्मी है, इतनी महंगाई को रोक ना सके जो वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार निकम्मी है। जो सरकारें आंखें बंद करके बैठी हुई है उनकी आंखें खोलने की जरूरत है। तो आज हम यहाँ प्रदर्शन के लिए इकट्ठे हुए हैं ताकि ये जो हमारा आज का प्रदर्शन है वो सफल हो। आज ये प्रदर्शन पूरे देश में और जिस तरह की बेरोजगारी दिल्ली में बढ़ रही है उसको लेकर यह प्रदर्शन हो रहा है और हमारा एक स्लोगन है नौकरी दो या बेरोजगारी भत्ता दो। और आज एलजी निवास पर हम हल्ला बोल करने आए हैं। पूरे दो महीने से यह अभियान चला हुआ है क्योंकि दिल्ली के अंदर 1.5 लाख से ज़्यादा सरकारी पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं और ये सब पोस्टें तभी भर सकती है जब तक एलजी सरकार एलजी इसका ऑर्डर नहीं देंगे। तो हमारा ये मानना है कि यहाँ भाजपा रोजगार छीनने पर लगी है, मोदी सरकार रोजगार छीनने पर लगी है, उसी नीतियों को प्राइवेट करने की नीति को, रोजगार भर्ती ना करने की नीति को एलजी साहब को लागू करवा रहे हैं। दो मुख्य मांगों के साथ हम यहाँ पे प्रदर्शन करने आए हैं। पहला मांग है कि दिल्ली सरकार और बाकी सारे सरकारी विभागों में जितने भी खाली पद हैं उन्हें तुरंत भरा जाए, जो सालों साल से रिक्त पड़े हैं और जो लोगों के परिवारों को सम्मानजनक जीवन दे सकता है। साथ ही बढ़ती संख्या के साथ और भी सरकारी रोजगार की ज़रूरत है जिनको ये सृजन करें। दूसरी हमारी मांग है कि आर्थिक संकट को देखते हुए 2022 में दिल्ली सरकार ने जो घोषणा की थी, केजरीवाल सरकार ने जो बेरोजगारी भत्ते की घोषणा की थी उसे तुरंत लागू किया जाए और ये बेरोजगारी भत्ता सभी बेरोजगार युवाओं को मिलना चाहिए, ना सिर्फ पढ़े लिखे युवाओं को। तो इन दो मांगों को लेकर और विभिन्न सारे समस्याओं को लेकर अलग अलग तबके के युवा पे जो शोषण हो रहा है, जिनका रोजगार छीना जा रहा है, चाहे वो ई रिक्शा चालक हो, चाहे वो सिविल डिफेंस के वर्कर हो, चाहे वो DTC बस मार्शल हो, चाहे वो ऐप में काम करने वाले युवा हो, इन सब की आवाज़ को लेकर आज हम एलजी निवास पे प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकलाब जिंदाबाद।